महाराणा प्रताप का ये शानदार भजन पेश करें। उससे पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं महाराणा प्रताप जी के लिए, क्योंकि ज्यादातर समय महाराणा प्रताप जी जंगलों में रहे हैं। क्यों रहे? सिर्फ और सिर्फ इस धरती के लिए, इस सरजमीन के लिए, इस मातृभूमि के लिए कि मेरी माँ कभी गुलामी की जंजीरों में नहीं बंधे, बेरियों के पगों नीचे नहीं जाए। तो जंगल में घास फूस ही उनका सब कुछ था, जंगल की लकड़ी ही उनका एक सहारा था। तो एक लकड़ी का भजन आपके सामने पेश कर रहा हूं पहले की जिंदगी में लकड़ी कहां कहां काम आती है। आदमी के जन्म से लेकर मरने तक लकड़ी काम आती है। यह लकड़ी बहुत बड़ी चीज है। देखिए आप, लकड़ी कहां से शुरू होती है और कहां तक अंत कर देती है आदमी का। भगत और भगवान की, लकड़ी जली कोयला भई और कोयला जल भैरा, मैं पापिन ऐसी जली भीरा कोयला भई नारा। लकड़ी तो जलती है लेकिन जलने के बाद भी कोयला बनकर काम आ जाती है। लेकिन ये काया, ये शरीर ऐसा जलता है कि जलने के बाद फिर से काम नहीं आता है। इसलिए हमारा शरीर लकड़ी से भी गया बीता बताया है। लकड़ी की करामात है कि इंसान बढ़ता है। लीजिए, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। हे जग वालो तुम्हें बताऊं, हे जग वालो तुम्हें बताऊं, ये जग भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। जीत भी लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। शुरू होती है लकड़ी। तेरा जन्म हुआ था जिस दिन पलंग बिछाया लकड़ी का, तुझे झुलाने को बनवाया एक पालना लकड़ी का। तेरा जन्म हुआ था जिस दिन पलंग बिछाया लकड़ी का, तुझे झुलाने को बनवाया एक पालना लकड़ी का। जिसे पकड़ कर चलने लगा तू, जिसे पकड़ कर चलने लगा तू, रेहड़ा अजब तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का।
होता है इंसान का लकड़ी के पलंग पे झूला झूलाने के लिए माँ लकड़ी का झूला बना देती है, बनवा लेती है और जिसे पकड़कर बच्चा चलने लगता है वो रेड़ा वो खिलौना भी लकड़ी का ही होता। आगे कहाँ आती है काम। गलियों में फिर लगा खेलने गिल्ली डंडा लकड़ी का, गलियों में फिर लगा खेलने गिल्ली डंडा लकड़ी का, पढ़ने को लकड़ी की पाटी और कलम था लकड़ी का, पढ़ने को लकड़ी की पाटी और कलम था लकड़ी का। तुझे डराने को मास्टर ने, तुझे डराने को मास्टर ने भय दिखलाया लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का, भी लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का। गलियों में फिर लगा खेलने गिल्ली डंडा लकड़ी का, अरे पढ़ने को लकड़ी की पाटी और कलम था लकड़ी का, तुझे डराने को मास्टर ने भय दिखलाया लकड़ी का, भय बिना प्रीत नहीं होती। तो गुरुजी भी लकड़ी का डंडा हाथ में लेके बच्चे को समझाते हैं, देखो और आगे क्या बात बनती है। पढ़ लिख कर तू चला ब्याह ने रेल का डब्बा लकड़ी का, पढ़ लिख कर तू चला ब्याह ने रेल का डब्बा लकड़ी का, सासू जी के आंगन में वो खंभ खड़ा था लकड़ी का, सासू जी के आंगन में वो खंभ खड़ा अजब तमाशा लकड़ी का। इंसान बड़ा हो जाता है, माता पिता शादी करते हैं उस समय शादी में जो बरात जाती है उस साधन में लकड़ी होती है, सासू जी के आंगन में थंभ तोरण भी लकड़ी का, और जब बगल में दुल्हन बैठती है बाएं अंग में लकड़ी के पाटे पे विराजती है। देखो लेकिन अब चौथी गति इंसान की चल रही है। गई जवानी तेरा आया बुढ़ापा, हाथ में डंडा लकड़ी का, गई जवानी तेरा आया बुढ़ापा, हाथ में डंडा लकड़ी का,
जनाजा लकड़ी का चार जना मिलका दे धर लिया वो जनाजा लकड़ी का तुझे जलाने को शमशानी तुझे जलाने को शमशानी चिता बनाया लकड़ी का जीते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का हाथ में डंडा लकड़ी का बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे चलता बेटे के बरोबर होती है चार जना मिल कांधे धर लिया वो जनाजा लकड़ी का फिर आखिरी आ जाता है और इंसान को चार जने कंधे पे लाद के ले जाते हैं देखो तुझे जलाने को शमशानी चिता बनाया लकड़ी का वाह इंसान लकड़ी ने तुझे पैदा किया और लकड़ी ने तेरा अंत भी कर दिया तो क्या बात है देखो हे जगवालो तुम्हें बताऊं हे जगवालो तुम्हें बताऊं ये जगवासा लकड़ी का जीते लकड़ी मरते भी लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी अजब तमाशा अजब तमाम